जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरगन चेन्नई से। दोस्तों मैं कल भी जो बता रहा था नोटिफिकेशन के बारे में, मैंने नोटिफिकेशन फिर से ध्यान से पढ़ा और जो 3 फरवरी 2016 का जो लेटर है वो भी मैंने पढ़ा और सर्कुलर 555 का जो भी कंटेंट्स है वो भी पढ़ा। अब इनमें एक चीज पता चलता है कि जो कुछ भी पहले ओआरओपी में हुआ था अब दोबारा यही होने वाला है। आप लोग पूछ सकते हैं कि कैसे क्या है, क्योंकि इसके बारे में कोई यूट्यूबर ये नहीं बताता और बताएंगे भी नहीं, क्योंकि सिविलियन यूट्यूबर है, उसको पैसा कमाना है, वो तो पैसा कितना मिलेगा टेबल डालते जाएगा और आप लोग उसी के पीछे भागते हो। और दूसरा एक है वो भी ऐसे ही करता है, और एक जो संगठन चलाने वाला है वो जो है वो अंधभक्त है बीजेपी का, इसलिए वो हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते जा रहा है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ हम भी करते हैं, क्योंकि जो चीज 40 साल में किसी ने नहीं टच किया उसने टच किया था, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहली बात, ये नोटिफिकेशन में क्या बताया? कुछ भी नहीं है। नोटिफिकेशन ने सिर्फ पीएमआर वालों के लिए एक चेतावनी दिया है। अगर पीएमआर वाले के बारे में पहले 2015 के लेटर में भी था, और उसी टाइम जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फरीदाबाद रैली में ओपनली बताया, जो हमारे जो कम सर्विस में 15 साल 17 साल में जो घर जाते हैं वो आरोपी उन्हीं के लिए, और लोगों को जो है पीएमआर वीआरएस के नाम पे भ्रमित करने के काम हो रहा है, मिलेगा सबको मिलेगा उसने वादा किया। उसने प्राइम मिनिस्टर ने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ 2015-2014 वालों को ने, मतलब उसके बारे में नहीं बताया, उसने ओपनली यही बताया कि पीएमआर के नाम पे वीआरएस के नाम पे किसी का ओआरओपी नहीं रुकेगा। आपको अगर वो वीडियो चाहिए तो आप गूगल करो, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो है फरीदाबाद रैली वन रैंक वन पेंशन, आपको पक्का मिलेगा उसमें। अभी ओआरओपी में अभी पीएमआर क्यों लेके आ रहे हैं दोस्तों? बहुत सारे मतलब हमारे जेसीओ जवान को ओआरओपी से वंचित कर रहे हैं अभी। अब दूसरी बात क्या है, 2015 का नोटिफिकेशन हो या 2016 का लेटर हो, जिसमें कभी एक्सओई ग्रुप का है ही नहीं सवाल, नोटिफिकेशन में ना एक्सओई का कोई जिक्र नहीं है, ना होशियारी कमेटी ने एक्सओई के बारे में बताया, फिर एक्सओई ग्रुप कहां से आया? अगर मान लीजिए कि अगर आना ही था तो एक्सओई इज्जत तीन ग्रुप अगर होता तो हम मान लेते कि मतलब पहले से काम चल रहा है, लेकिन इज्जत को वही के साथ मिला लिया और वही को एक्स मतलब सबको एक्स ग्रुप के बराबर क्यों नहीं किया, उसका वजह क्या है और इसके पीछे कौन है जिसको मतलब जिसने मतलब सबके साथ धोखा किया? हम ये जानते हैं कि इसमें प्राइम मिनिस्टर का या रक्षा मंत्री का कोई किसी का हाथ नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में एक्सओई का तो नाम ही नहीं है, होशियारी कमेटी में एक्सओई नहीं है, तो इसका मतलब यहां भी मतलब अफसेस का खेल हुआ। यहां पे अफसेस का मतलब हमारे भी है और ब्यूरोक्रेट्स भी है। इसके बारे में जानना और इसके बारे में जानकारी रखना किसका काम है? हमारे रक्षा मंत्री और प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है? क्यों नहीं किया ये भी हम बाद में बात करेंगे एक दिन। अच्छा, उसके बाद जो है नोटिफिकेशन में कहीं भी जो है ऑनररी नायक ऑनररी हवलदार को सिपाही और हवलदार के बराबर करना, ऐसे करके कोई भी
कहीं भी मतलब नहीं लिखा। जब कहीं भी नहीं लिखा है तो उनको सिपाही और नायक के बराबर कैसे किया? इसके बारे में क्यों नहीं बात करते ये लोग? दोस्तों ये लोग आप लोगों को जो है सिर्फ पैदा वाले जो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपका ध्यान अलग होना चाहिए, मतलब आपको सोचने का मौका नहीं दे रहे। सोचना आपका काम है, आप सोचो कि क्यों नहीं दिया। जब नोटिफिकेशन में ऑनरी रैंक के बारे में एक भी शब्द नहीं है तो फिर कहां से लेके आया ये सब? इसका मतलब इसके पीछे किसका हाथ है? ये हमारे प्रधानमंत्री का काम नहीं है ये बात, मतलब इसके बारे में मतलब जांच करना, रक्षा मंत्री का काम नहीं है। हम इसलिए मतलब नाराज है क्योंकि हर जगह जाके वार ओपी कम सर्विस वालों के लिए है, वन रैंक वन पेंशन। जो हमारे जवान 35 साल 40 साल के अंदर जो मतलब घर भेज दिया जाता है उन्हीं के लिए वन रैंक वन पेंशन कहने के लिए यह शब्द बहुत अच्छा है और सुनने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ? आप प्रैक्टिकल सोचो, अगर अभी जो कुछ भी मिलने वाला है इसके पीछे आप बैठे रहोगे तो आगे आपको बहुत नुकसान आने वाला है, बहुत नुकसान आने वाला है। दोस्तों हम आवाज क्यों उठा रहे हैं कि हमें एक साथ होना है, एक साथ मिलके हमें अपना हक के लिए लड़ना है। कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारे बीच में जयचंद है, हमारे बीच में जो है बहुत सारे गद्दार है, वो मतलब किसी को फेवर करने के लिए डालते जाएंगे। दोस्तों आप लोगों को मालूम है डिसेबिलिटी पेंशन जब स्लैब सिस्टम में था, एक ब्रिगेडियर ने एक वो भी संस्था चला रहा है, एक ब्रिगेडियर आवाज उठाया कि सूबेदार मेजर सूबेदार को बहुत नुकसान हो रहा है स्लैब सिस्टम में, इसलिए परसेंटेज में आना चाहिए। आप सबको मालूम है उस ब्रिगेडियर का नाम, सबको मालूम है, और ये करके भी दिखाया स्लैब सिस्टम से परसेंटेज में, ये करके दिखाया। जो लोग वो कर सकते काम, तो 2016 के बाद जो रिटायरीज है उनके फायदा के लिए नोटिफिकेशन में क्यों नहीं मांग क्यों नहीं रखा? इन लोगों ने मांग नहीं रखा। इन लोग ये लोग यही कहते हैं कि जो पहले वाला ज्यादा पहले से ले रहा सूबेदार इसलिए उनको नहीं मिलेगा। अरे सभी जानते हैं कि पहले वाला ज्यादा ले रहा। हम तो ये चाहते हैं कि जो 2016 के बाद जो रिटायर हुआ उनके साथ जो नाइंसाफी हुआ वो सही करना चाहिए ना। अब नाइंसाफी हम ये भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो है ना लास्ट पे ग्रांट का 50% है, ये बताएंगे कि कानूनी की जो भी मतलब कानून एक्ट है वो बताएंगे। पेंशन कानून के हिसाब से हमने दिया, अगर पेंशन कानून के हिसाब से अगर आपने दिया तो फिर ऑनरी नायक ऑनरी हवलदार रिजर्विस्ट ऑनरी नायक सूबेदार इनको कानून मतलब कानून जो कहता है वैसे क्यों नहीं दिया? इसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? एक जो ब्रिगेडियर है जो मतलब बहुत पुराना संगठन की जो है ना प्रेसिडेंट है या चेयरमैन, मैं नहीं जानता उनका पोस्ट क्या है, वो क्यों नहीं आवाज क्यों नहीं उठा रहा है इसके बारे में? इसके बारे में कोई बात ही नहीं करते हैं। दोस्तों जितना भी ज्यादा नुकसान है ये जेसीओ जवान का, अभी नुकसान जेसीओ का, आगे जाके जवानों का होगा। आप सबको मालूम है ECHS प्रॉब्लम, CSD प्रॉब्लम, अब आने वाला है ORP प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हैं कि सही ढंग से वन रैंक वन पेंशन हो या कोई भी हमारे जो हक हमें मिलना है तो सबसे पहले हमें एक कट्ठे होके दिखाना पड़ेगा। जब मैं और कपिल जब हमने पहली बार 14 तारीख के लिए आवाज उठाया था, एक बहुत
पहुंचा हुआ आदमी, उन्होंने बोला कि ये कांग्रेस के सपोर्टर है और ये गवर्नमेंट कांग्रेस के सपोर्ट में ये मतलब धरना कर रहे हैं। अभी ऐसे ही आवाज और उठेगा, इसके बारे में कभी सोचना नहीं। अभी हम आपको बता रहे हैं कि 14 तारीख इस महीने एक वेटरन्स डे है। यहाँ पे पहले हमें इनविटेशन मिला था जोवा को, अभी वो कह रहे हैं कि मतलब बाय मिस्टेक हमने वो भेज दिया। वेटरन्स डे जो है सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को हम इनविटेशन भेजेंगे, बाकी और किसी को नहीं। अगर हमें इनविटेशन नहीं भेजेंगे तो हम भी अपना वेटरन्स डे मनाएंगे, वहीं पे हम भी मनाएंगे। दोस्तों ये आपकी लड़ाई हमने स्टार्ट कर दिया, और अगले महीने 6 तारीख को जो है दिल्ली में धरना के लिए आवाज उठाया, और उससे पहले हम चेन्नई में करेंगे स्पर्श के अगेंस्ट में, वन रैंक वन पेंशन और ECHS के लिए हम भी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों अभी सोच लो, 2016 के बाद जो रिटायरीज है ऑनरिंग एप संविधान, या मतलब 2006 से पहले का ऑनरिंग एप संविधान, रिजर्विस्ट, ऑनरी हवलदार, ऑनरी नायक, और 2016 के बाद जो रिटायर हुआ JCO और ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स, आप सबको आगे आना पड़ेगा अपने हक के लिए। अगर नहीं आओगे आप ये मत सोचो कोई और आपके लिए आवाज उठाएगा, कोई और आपके लिए लड़ेगा, और आप घर बैठ के आराम से फल खाते जाओगे, ऐसे नहीं होगा। आगे सबको अपना अपना लड़ाई खुद लड़ना है, और आपको आगे आना ही पड़ेगा, चाहे आप कहीं से भी हो। मुझे एकता जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम।